असम पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 8 प्रतिबंधित संगठनों के 644 उग्रवादियों ने 177 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने बताया कि उल्फा, एनडीएफबी, आरएनएलएफ, केएलओपी, सीपीआई, एनएसएलए, एनडीएफ और एनएलएफबी के सदस्यों ने एक कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस महानिदेशक ज्योति मेहता ने बताया कि राज्य के लिए और असम पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज उग्रवादी समूहों के कुल 644 कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं उग्रवादियों ने जिन हथियारों को सौंपा उसमें AK-47, AK-56 जैसे कई अत्याधुनिक हथियार भी शामिल हैं।